नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवीन ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आपके प्यार और दुआओं के कारण आज नवीन ज्योतिष चैनल में 350 से अधिक वीडियो हैं, 14,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, 32 लाख से अधिक व्यूज हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरी 7 पुस्तकें प्रिंट हो चुकी हैं, 3 पुस्तकें अंडर प्रिंटिंग है। आपके लिए एक गुड न्यूज है, दिल्ली में लगभग 20 साल से एस्ट्रोलॉजी टीचिंग कर रहा हूं, जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजी के अलावा पामिस्ट्री, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, हैंडराइटिंग एनालिसिस, जेमोलॉजी सारे कोर्स करवाता हूं। मैंने अब मुंबई में एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है। यदि आप दिल्ली या मुंबई में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या पूरे वर्ल्ड के किसी भी सिटी में बैठकर कोरस्पोंडेंस कोर्स या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगवाना चाहते हैं, तो कंसल्टेंसी फी और कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर बैंक में नीचे दिए लिखे बैंक अकाउंट्स में जमा करा के मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। चंद्रमा त्रिक भावों में इस सीरीज की ये तीसरी और अंतिम वीडियो है। कुंडली का 12वां भाव त्रिक भाव है। मैंने पिछली 2 वीडियो में आपको चंद्रमा का 6ठे भाव में और 8वें भाव में क्या क्या फल प्राप्त होता है बताया था। आज मैं आपको कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा स्थित हो तो क्या क्या फल प्राप्त होते हैं ये बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको, कुंडली का 12वां भाव त्रिक भाव है, इसे दुख स्थान भी कहते हैं। 12वां भाव वह भाव है। 12वें भाव से हम खर्चे, हानि, विदेश यात्रा, हॉस्पिटल, जेल, अध्यात्म, शैया सुख, गुप्त शत्रु, षड्यंत्र, गुप्त लगाव, अनिंद्रा, नींद न आने का रोग भी देते हैं। 12वां भाव मोक्ष का भी भाव है। अब मैं आपको, चंद्रमा यदि 12वें भाव में स्थित हो तो क्या क्या फल प्राप्त होते हैं बताता हूँ। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा यदि 12th हाउस में स्थित हो तो जातक की सोशल लाइफ नहीं होती, वह हमेशा एकांत में रहना पसंद करता है। 12th हाउस में चंद्रमा स्थित हो तो जातक के अपनी माता से डिफरेंसेस अधिक रहते हैं। माता अलग होकर अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती है। जातक की पत्नी के साथ माँ के संबंध भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि 12th हाउस जीवन साथी के भाव से, यानी कि 7वें भाव से 6ठा भाव है। 6ठा भाव शत्रु का होता है। चंद्रमा माँ का कारक ग्रह है, अतः 12th हाउस में स्थित चंद्रमा माँ से दूरी बनाता है, चाहे भावनात्मक दूरी ही क्यों ना हो। चंद्रमा मन का कारक ग्रह भी है। जातक का मन हॉस्पिटल के कार्यों में, जेल के कार्यों में लगता है। 12th हाउस मोक्ष का भी भाव है। जातक का ध्यान मेडिटेशन में, योग में भी रहता है। 12th हाउस में चंद्रमा हो तो जातक गंभीर
विचारक होते हैं, कल्पना में खोए रहते हैं। ऐसे व्यक्ति मानसिक शांति की तलाश में रहते हैं, उनकी सोच सबसे अलग ही रहती है। ट्वेल्थ हाउस में चंद्रमा पर राहु का प्रभाव हो तो व्यक्ति में इंट्यूशन पावर भी होती है। यदि ट्वेल्थ हाउस में स्थित चंद्रमा पर गुरु या केतु का प्रभाव हो तो जातक का मन स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म की ओर मुड़ जाता है। ट्वेल्थ हाउस का चंद्रमा फॉरेन ट्रेवल भी बहुत करवाता है। ट्वेल्थ हाउस में स्थित चंद्रमा पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक की लेफ्ट आई कमजोर हो जाती है। ट्वेल्थ हाउस में स्थित चंद्रमा पर पाप प्रभाव हो या चंद्रमा पाप का त्री हो, नीच हो या अस्त हो या बाल अवस्था में हो या मृत अवस्था में हो तो जातक नैरो माइंडेड हो जाता है, दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करता है। ट्वेल्थ हाउस में चंद्रमा बालरिस्ट का भी कारक है। जातक का बचपन रोग में ही बीतता है, जातक बचपन में बीमार ही रहता है। अब मैं आपको चंद्रमा का ट्वेल्थ हाउस में स्थित होना विभिन्न लग्नों के हिसाब से क्या क्या प्रभाव रहता है बताता हूँ। सबसे पहले मेष लग्न। मेष लग्न में चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होकर ट्वेल्थ हाउस में मीन राशि में स्थित चंद्रमा माता के सुखों में कमी करता है। माता बीमार हो जाती है, जातक को घर बनाने में परेशानी होती है, वाहन सुख की भी कमी होती है, जीवन में सभी सुखों में कमी हो जाती है। चंद्रमा लेफ्ट आई का भी कारक है, जातक की आईज में भी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि फोर्थ हाउस में पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक विदेश में भी सेटल हो सकता है। जातक के खर्चे अधिक होते हैं जिसके कारण जातक के सुखों में कमी आती है। वृष लगन। वृष लगन में चंद्रमा थर्ड लॉर्ड है तथा 12वें भाव में मेष राशि में स्थित है। ट्वेल्थ हाउस में चंद्रमा स्थित हो तो लेफ्ट आई में प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा भाव साहस पराक्रम का भाव है। थर्ड लॉर्ड का वह भाव में स्थित होने से जातक के साहस पराक्रम में कमी आ जाती है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है। जातक बिना मेहनत किए सभी प्रकार के सुख भोगना चाहता है। जातक को भाई बहनों का सुख कम हो जाता है, व्यर्थ के कार्यों में खर्चे होते हैं। जातक जल्दी गुस्से में भी आ जाता है। मिथुन लगन। मिथुन लगन में चंद्रमा द्वितीय होकर सेकंड लॉर्ड होकर ट्वेल्थ हाउस में अपनी उच्च राशि में स्थित होता है। जातक धन की सेविंग्स नहीं कर पाता, बचत कर नहीं पाता क्योंकि धन भाव का स्वामी व्यय भाव में स्थित है। लेकिन ऐसे जातकों का संबंध यदि विदेशों से हो या मल्टीनेशनल कंपनी से हो या विदेशियों को पार्टनर बना लें तो इनको धन लाभ होता है। ऐसे जातक बहुत दयावान होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। नेक्स्ट कर्क लगन। कर्क लगन में चंद्रमा लग्नेश होकर ट्वेल्थ हाउस में व्यय भाव में मिथुन राशि में स्थित है। लग्नेश का व्यय भाव में स्थित होने से जातक की स्वास्थ्य हानि होती है, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जातक में चिड़चिड़ापन आ जाता है, जातक कठोर व एग्रेसिव नेचर का होता है। इनमें कामुकता भी अधिक होती है क्योंकि 12वां भाव शय्य सुख का भाव है और चंद्रमा मन का कारक है, मन में इनके गलत विचार आते हैं, मल्टीपल अफेयर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ता है। सिंह लगन। सिंह लगन में चंद्रमा कर्क राशि में ट्वेल्थ हाउस में अपने ही राशि में स्थित होने से जातक को माता का सुख अच्छा प्राप्त होता है। मानसिक रूप से ये अच्छे रहते हैं, दिल से बहुत अच्छे होते हैं, सभी की हेल्प करने को तैयार रहते हैं। सिंह लगन में चंद्रमा ट्वेल्थ लॉर्ड होकर ट्वेल्थ हाउस में ही स्थित है तो यह विपरीत राजयोग भी है, जातक को धन लाभ भी देता है लेकिन खर्चा बहुत अधिक सोच समझ कर करते हैं, शुभ कार्यों पर करते हैं, परोपकार के कार्यों पर, दान पुण्य के कार्यों में करते हैं। कन्या लगन। कन्या लगन में चंद्रमा लाभेश होकर व्यय भाव में स्थित है। लाभ भाव के स्वामी का व्यय भाव में जाना लाभ में कमी या धन में कमी दिखाता है, जीवन में खर्चा हमेशा अधिक बना रहता है, माता के सुखों में भी कमी होती है, लेफ्ट आई में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तुला लगन। तुला लगन में चंद्रमा 10th लॉर्ड होकर 12th हाउस में कन्या राशि में स्थित है।
जातक को माता के सुखों में कमी रहती है, माता से वैचारिक मतभेद रहते हैं। टेंथ लॉर्ड का व्यय भाव में स्थित होना जातक के व्यवसाय में स्टेबिलिटी नहीं देता, बार बार बिजनेस बदलना पड़ता है, नौकरी छूट जाने की संभावना अधिक रहती है, स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। लेकिन जातक के विदेशियों से या मल्टीनेशनल कंपनियों से संबंध होंगे तो लाभ भी प्राप्त होता है। जातक के खर्चे बढ़ जाते हैं, इसी कारण से थोड़ी सी मानसिक परेशानी अधिक रहती है, मेंटल टेंशन बनी रहती है। नेक्स्ट वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में चंद्रमा नाइन्थ लॉर्ड होकर ट्वेल्थ हाउस में तुला राशि में स्थित है। नाइन्थ लॉर्ड का ट्वेल्थ हाउस में स्थित होने से जातक के भाग्य में कमी आती है, लाइफ में स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है, मानसिक रूप से भी समस्याएं अवश्य आती हैं। इन जातकों की लेफ्ट आई भी कमजोर रहती है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, शुक्र भोग विलास का कारक है तथा चंद्रमा का शुक्र की राशि में शय्य सुख के भाव में जातक को व्यभिचारी प्रवृत्ति का बना सकता है। धनु लगन। धनु लगन में चंद्रमा एट्थ लॉर्ड होकर ट्वेल्थ हाउस में अपनी नीच राशि में स्थित है। यह विपरीत राजयोग भी है। जातक फाइनेंशियली साउंड होगा लेकिन मानसिक रूप से परेशान रहेगा। यह बालरिस योग भी है, चंद्रमा नीच राशि में भी है। जातक को बचपन में मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं, कई प्रकार की रोग कष्ट झेलने पड़ते हैं। जातक अल्पायु भी हो सकता है। ऐसे जातकों को नींद भी नहीं आती है जिसके कारण हमेशा मन में तनाव रहता है। जातक की माता भी बीमार रहती है। नेक्स्ट मकर लगन। मकर लगन में चंद्रमा सप्तमेश सेवंथ लॉर्ड होकर ट्वेल्थ हाउस में धनु राशि में स्थित है। जातक की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, मानसिक तनाव रहता है, बिजनेस में प्रॉब्लम होती है, पार्टनरशिप फेल हो जाती है। यदि चंद्रमा पर ट्वेल्थ हाउस में कोई पाप का भाव हो तो करेक्टर में भी कमी आ जाती है। नेक्स्ट कुंभ लगन। कुंभ लगन में चंद्रमा सिक्स लॉर्ड होकर ट्वेल्थ हाउस में शत्रु शनि की राशि में मकर राशि में स्थित है। यह विपरीत राजयोग है। जातक विदेश यात्रा करता है, विदेशियों से व्यापार करके लाभ प्राप्त करता है, लेकिन ट्वेल्थ हाउस में शत्रु राशि में शनि की राशि में चंद्रमा मेंटल टेंशन देता है, नींद नहीं आती है, अपने जीवन साथी से तालमेल नहीं बिठा पाता है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ आती हैं, माता भी रोगी होती है। लास्ट मीन लगन। मीन लगन में चंद्रमा फिफ्थ लॉर्ड होकर ट्वेल्थ हाउस में शत्रु राशि में शनि की कुंभ राशि में स्थित है। फिफ्थ लॉर्ड का व्यय भाव में जाने से एजुकेशन में विद्या में रुकावट आती है, संतान प्राप्ति में देरी होती है, संतान पर खर्चा भी अधिक होता है। ऐसे जातक मानसिक रूप से परेशान होते हैं, लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत होता है। इन जातकों की लेफ्ट आई में भी प्रॉब्लम होती है, माता से भी संबंध अच्छे नहीं होते हैं, मदर बीमार ही रहती है। नमस्कार।